तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको तीन चार अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्विस यादव के बारे में। जी हां दोस्तों, एल्विस यादव का फिल्मी ज्ञान के चैनल पर एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहां पर उन्होंने काफी सारे टॉपिक पे बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ लोग छपरी बोलते हैं उन्हें बदनाम करने के लिए। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। छपरी ये वर्ड जो है ना, ये पता है मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ना छोड़ा है वर्ड मेरे पे ना, समझ रहे हो, जैसे नैरेटिव चालू कर देते हैं ना, इसकी इमेज इस टाइप की कर देते हैं। बट छपरी की मैं कोई केटीएम चलाता हूं, मैं कोई वो है आगे से उठा के मैंने कौन सा बाल रंगों मैं ना देख रहा था, मैंने देखा कमेंट जैसे ये छपरी वाला, तो मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी भाई, इतनी गंदी शक्ल के बंदे हो सारे। मैंने कि यार ये मुझे कैसे कह रहा, मतलब इतना भी खराब तो नहीं दिखता मैं मेरे हिसाब से। मैंने कि इसकी कहना तो नहीं बनता, देखो इसको ये मेरे मुँह पे आके कहेगा तो वो नहीं बोल पाएगा, और मेरे हिसाब से अगर वो बोलेगा तो शीशे में देख के बोलना चाहिए उसको। वो भाई ऐसे ही है, फालतू बंद कीजिए, जिसके पास कुछ नहीं होता वो बोल देता। अब बात करते हैं अनुराग डोभाल के बारे में। फाइनली अनुराग डोभाल का डिस ट्रैक आउट हो चुका है, और आपने नोटिस किया हो तो इस ट्रैक में अनुराग डोभाल ने बिग बॉस के साथ साथ मोटो ब्लॉगर को भी डिस किया है। आप देखो, मैं हूँ इन बच्चों का आइडल, नक्शे कदम पे है चलते ये राइडर, लेवल पे या पहले खागनी राइवल, कॉपी मशीन मेरे चेप पे टाइटल, दुनिया का नंबर वन मोटो ब्लॉगर, मेरे मीटअप पे होता है चक्का जाम, कंपीट करो तुम नंबर दो के लिए, क्योंकि पहले पे बैठा मैं करूंगा राम। तो आप लोग को क्या लगता है अनुराग डोभाल ने किस मोटो ब्लॉग को डिस किया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो अब बात कर लेते हैं मुनावर की। तो एमसी स्टैंड ने मुनावर को सपोर्ट करते हुए एक स्टोरी डाली है और लिखा है, मीटर खींच के रख लाला, ट्रॉफी इधर ही आनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। अज्जू भाई ने कल अपने चैनल पर एक Q&A वीडियो अपलोड किया जहां पर उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन के आंसर बताए हैं और उन्होंने अपनी इनकम के बारे में बताया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरा एज 21 साल है और 21 साल की एज में मैं काफी ज्यादा पैसे कमाता हूं। ये बोलना झूठ रहेगा कि मैं कम पैसे कमाता हूं, क्योंकि मैं एशिया का नंबर वन गेमर हूं, और तुम समझ सकते हो उस बात से कि कितना कमाता हूं। एक मिनट, यह iPhone 15 Pro Max जो कि मैंने इसके मतलब पिछले महीने खरीदा था, और मैं हर महीने बहुत सारे iPhone 15 Pro Max खरीद सकता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।